थे। फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया, तुम लोग बताओ। फरिश्तों ने कहा, शायद सबसे ताकतवर चीज पत्थर बनाया होगा। अल्लाह ने फरमाया, पत्थर को मेरा लोहा फोड़ देता है। फरिश्तों ने कहा, अच्छा तो लोहा होगा। अल्लाह ने फरमाया, लोहे को तो मेरी आँख पिघला देती है। फरिश्तों ने कहा, अच्छा तो फिर आग ताकतवर होगी। अल्लाह ने कहा, आग को तो मेरा पानी बुझा देता है। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, फिर दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, एक मोमिन बंदा अपनी हलाल कमाई से गरीबों को जो सदका करता है, वो सदका दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों की खुशी के लिए तो बहुत से मैसेज किए जाते हैं, देखते हैं अल्लाह के शुक्र का ये मैसेज कितने फॉरवर्ड करते हैं। बेटी बाप के लिए रहमत होती है, बीवी शोहर के लिए निस्फ ईमान होती है, और बच्चों की जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। गुनाह में लज्जत जरूर है, मगर सुकून नहीं। बात अल्फाज की नहीं, लिहाज की होती है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, हो सकता है वो अल्लाह की नज़र में तुमसे बेहतर हो। आदमी बीमारी के डर से खाना तो छोड़ देते हैं, मगर आखिरत के डर से गुनाह नहीं। बंदा नेक बात सुन तो लेता है ज़रूर, पर पहुंचाता नहीं दूसरों तक, और उस पर अमल भी नहीं करता। अल्लाह ताला उसको आबाद करे जो ये बात आगे तक पहुँचाए। इस मैसेज को अपने मोबाइल के सब मुस्लिम कॉन्टेक्ट को सेंड करो, क्या पता किसी के अमल करने से आपकी भी बख्शिश हो जाए। जिसकी नमाज अच्छी उसकी ज़िंदगी अच्छी, जिसकी ज़िंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, और जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, और जिसकी आखिरत अच्छी उसकी तो जन्नत पक्की। डोंट मिस नमाज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।